जैन दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आज भी क्लास लेकर के और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका भी कि मिताली राज चर्चा में। पहला क्वेश्चन क्या है? मिताली राज चर्चा में है, राज चर्चा में है, ये कौन है? ये कौन है? सीधी सी बात करें, मिताली राज आपकी चर्चा में रही है और ये है क्या? मिताली राज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता, मिताली राज कौन है? क्रिकेटर है। क्या है ये? क्रिकेट खेलती है, महिला महिला क्रिकेटर है। क्या है? महिला क्रिकेटर है, ये भी आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए ये सिक्स विश्व कप खेलने वाले, विश्व कप क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। कितने विश्व कप खेल चुकी है? 6 विश्व कप खेल चुकी है, तो ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनी, इसलिए वर्तमान में चर्चा है। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। सबसे ज्यादा क्या? रन बनाने का नाम भी, रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। स्टार्ट कब किया थे इन्होंने? 2000 में खेले करते हैं, 2000 से लेकर के और अब 2022 तक ये अभी खेलते हैं। अगर पुरुषों की बात करूं मैं यहां पर, तो पुरुषों में अगर हम बात करें तो जो जावेद हैं, सचिन तेंदुलकर, अगर भारत की बात करें तो पहले कौन थे? पहले पुरुषों में अगर हम बात करें तो सचिन, जिन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता था, सचिन तेंदुलकर जो साहब है, तेंदुलकर क्या थे भाई? 6 विश्व कप खेलने वाले पहले प्लेयर थे। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जावेद मियां भी 6 विश्व कप है। कौन से आपके? जावेद, जो जावेद मियां है, ये भी आपके 6 विश्व कप खेलने वाले। कितने? 6 विश्व कप खेलने वाले, ये भी 6 विश्व कप खेलने वाले हैं और ये भी 6 विश्व कप खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं। पहले क्रिकेटर महिला की बात करें तो मिताली राज 6 विश्व कप खेलने वाली बनी है। साथ ही हमने बात करी यहाँ पर पुरुषों की, तो पुरुषों में कौन है? सचिन तेंदुलकर बने हैं। चर्चा में अभी है, इसी वजह से है मिताली राज भी। सबसे ज्यादा रन भी अगर हम बात करें तो किसके हैं आपके? ये मिताली राज के सबसे ज्यादा रन है। यहाँ पर हम बात करें अभी आईसीसी, जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने एक अवार्ड दिया था, क्रिकेट ऑफ द अवार्ड, वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया था, ये किसे दिया गया था? 2021 का वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया था, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया था, ये किसको दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता भी जाता है। ये दिया गया था समर्थी मंधाना को। किसको दिया गया था? समर्थी मंधाना को। किसको दिया गया? समर्थी मंधाना को ये अवार्ड दिया गया है। 2021 की बात हो रही है और ऐसा इनके साथ दोबारा हुआ नहीं। इन्होंने पहली बार, ये दूसरी बार अवार्ड मिला इनको, दूसरी बार मिला है। तो पहली बार कब मिला था इनको ये अवार्ड? पहली बार की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला आपका भी 2018 के अंदर। इन्होंने ये क्रिकेट ऑफ द ईयर, वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। क्वेश्चन ये आते हैं, पुरुषों में किसको क्रिकेट जो मेंस का ईयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है आईसीसी के द्वारा, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। एक बार बात करें, मिताली राज क्रिकेटर हैं, ये 6वीं बार विश्व कप में खेल रही है, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी है। साथ में हम बात करें पुरुषों में, तो सचिन तेंदुलकर पहले पुरुष थे भी, और उसके साथ जावेद मियां भी, जो पाकिस्तान से, इन्होंने भी 6 विश्व कप खेले हुए, पाकिस्तान से इन्होंने भी 6 विश्व कप खेले। क्रिकेट के भगवान के नाम से किसको जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। और खिलाड़ियों में अगर मैं बात करूँ, खिलाड़ियों में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राज्यसभा में क्या किया गया था? राज्यसभा में मनोनीत किया गया। पहले ऐसे खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन, खेल के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 ही आधारों पर किया जाता है, जिसके अंदर आपको खेल शामिल नहीं है। लेकिन अब कला के अंदर किसको शामिल कर लिया गया है? जो आपका जैसे सामाजिक है, विज्ञान है, साहित्य है, और साथ में कला को दिया, तो कला के अंदर किसको शामिल कर लिया गया? अभी खेल को शामिल कर लिया गया। पूछने पहले ऐसे खिलाड़ी कौन थे जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था? तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब को भी। ठीक है, चर्चा का विषय था पहला ही आपका ये
बना हुआ है, चर्चा का विषय रहा है, ध्यान रखेंगे मिताली राज को, ठीक है। चलिए आज अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में जब क्रिकेट की बात चल रही है तो अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा गया था। किसके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा गया था? तो आर अश्विनी ने रिकॉर्ड तोड़ा था भाई। आर जो अश्विनी है, अश्विन है, आर अश्विनी जो क्रिकेटर है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्या किया था, टेस्ट क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा था कितने का, 434 जो विकेट लेने का भाई, 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। तो ये रिकॉर्ड था किसका भाई, ये रिकॉर्ड था आपका कपिल देव का। किसका था भाई? कपिल जो देव है, कपिल देव का रिकॉर्ड था। और कपिल देव को क्या नाम, किस कपिल देव का संबंध बात करें तो चंडीगढ़ कह सकते हैं आप, चंडीगढ़ से, और हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है, हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी क्रिकेटर के क्या थे, ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर थे क्रिकेटर के, कौन आपके, कपिल देव। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इन्हीं में, इन्होंने ही पहला 1983 के अंदर पहला विश्व कप क्या करवाया था, दिलवाया था पहला क्रिकेट का विश्व कप। की अगर हम बात करें तो किसकी कप्तानी में मिला था हमारे को, तो कपिल देव की कप्तानी में मिला था। ये भी आपका क्रिकेट का एक क्वेश्चन बनता, बड़ा शानदार है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की अगले, और जो आपके बीच में अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर दो है आपका। अभी हाल ही में नासा ने क्या किया अभी, क्वेश्चन नंबर दो आपका देखिए, अभी चर्चा में रहा है आपका कौन रहा, क्लिपर अंतरिक्षयान, क्लिपर अंतरिक्षयान चर्चा में अभी, अंतरिक्षयान चर्चा में है, यान चर्चा में है। इसे कौन बना रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात करेंगे, हम आंसर की बात करेंगे तो इसे नासा के द्वारा बनाया जा रहा है भाई, नासा। आपको पता है ये आपकी क्या है कि नासा की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से अपनी इंडिया की इसरो, इसी प्रकार से कहा कि यूएसए की क्या है, नासा है। नासा ने क्या किया, एक अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आप लोग जानते हैं इसको, और इन्होंने अभी क्या किया, यूरोपा क्लिपर कह सकते हैं, कहां पर भाई, यूरोपा क्लिपर के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए इस यान को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है भाई, ये चांद के जो यूरोपा, चंद्रमा का क्या करेगा इस मिशन में, क्या किया जाएगा, चंद्रमा के यूरोपा का क्या किया जाएगा, यूरोपा का अध्ययन किया जाएगा इस मिशन में भाई। क्या होगा, नासा के द्वारा किसका अध्ययन किया जाएगा, यूरोपा क्लिपर मिशन के द्वारा चंद्रमा के यूरोपा का अध्ययन किया जाएगा, कह सकते हैं चंद्रमा का अध्ययन किया जाएगा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें होगा क्या ये देखेंगे, तो इसमें इसको छोड़ा जाएगा किसके द्वारा, के रूप में जाना जाता है, यूरोपा मल्टीपल फ्लाई मिशन भी कह सकते हैं इसको, यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाई मिशन इसको, और क्या कह सकते हैं, यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाई मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा, एक है आपका इंटर प्लेनेटरी मिशन है, ये एक इंटर किस प्रकार का मिशन है, एक इंटर प्लेनेटरी मिशन है, इंटर प्लेनेटरी मिशन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार का मिशन है, इंटरप्लेनेटरी मिशन है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं ये होगा क्या, जाएगा कब, तो देखिए 24 में इसे लॉन्च किया जाएगा, किसको लॉन्च किया जाएगा, क्लिपर अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया जाएगा, लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसे अब नासा बना रहा है, ठीक है भाई, ओके। इसमें होगा क्या, ये बृहस्पति की कक्षा में रहेगा भाई, किसकी कक्षा में रहेगा, बृहस्पति जो है उसकी कक्षा में रह करके, उसकी कक्षा में स्थापित रह करके, और किसका अध्ययन करेगा, चंद्रमा का अध्ययन करेगा, चंद्रमा का क्या करेगा भाई, अध्ययन करेगा, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो ये मिशन है, ये किसका मिशन है, तो नासा का मिशन है। अंतरिक्ष क्लिपरयान बना कौन रहा है आपका, तो ये भी नासा बना रही है, यूरोपा क्लिपर मिशन, या कह सकते हैं यूरोपा मल्टीप्लाई बाई मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। चंद्रमा का अध्ययन किया जाएगा, और कहां पर भाई, इसके अंदर एक ऑर्बिटर भी रहेगा, ये बृहस्पति की कक्षा में रह करके चंद्रमा के यूरोपों का विशेष तौर पे क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ये आप लोगों के लिए
बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार इसको साथ के साथ नोट कर लेंगे यार, या फिर हमें या जो भी स्क्रीनशॉट आपने लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है आपका स्वदेश दर्शन पुरस्कार। स्वदेश दर्शन पुरस्कार आपका क्या रहा, चर्चा में रहा स्वदेश दर्शन पुरस्कार में, पुरस्कार चर्चा में है, स्वदेश दर्शन पुरस्कार चर्चा में है, ये क्या है। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि देखो नाम से ही जाहिर है, स्वदेश दर्शन, यानी कि ये जो पुरस्कार है इसको स्थापित किया गया है अभी हाल ही में, स्वदेश दर्शन पुरस्कार को स्थापित किया गया है क्या, यानी कि जो कंपनियां, जैसे आप लोगों ने सुना था पैकेज आया भाई 3 दिन में दिल्ली घुमाएंगे, बंबई घुमाएंगे, या इधर लेके जाएंगे वहां लेके जाएंगे, विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए कह सकते हैं, विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए जो कंपनियां हमारी काम कर रही हैं, या हम कहें हमारे देश के दर्शन कराने के लिए जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों के सराहनीय काम के लिए, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यटक आएंगे तो क्या इकोनॉमी की हमारे कुछ न कुछ बेनिफिट होगा, लोग हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे, तो उस जो कंपनियां पर्यटन यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, या जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए, उन लोगों के सम्मान में ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा भाई, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस स्वदेश दर्शन पुरस्कार की क्या की गई है, स्थापना की गई है। सीधी सी बात यानी कि तुम घूमने फिरने जाओगे तो तुम्हें इसमें आधार बना दिए, जिसके पास अच्छा गाइड है, कौन उन्हें झोपड़ियों में रख रहा है ना, कौन उन्हें मतलब अच्छा कैफे दे रहा है, कौन उन्हें अच्छे लाइटिंग लूटिंग का प्रबंध दिखा रहा है, किस प्रकार से देश की संस्कृति से, किस प्रकार से मंदिरों में ले जाकर के उन्हें बताया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए या उन कंपनियों के लिए क्या किया गया है, आपका ये पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो पर्यटन मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया भाई आपका, पर्यटन जो मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया, क्या कह सकते हैं, इसने पर्यटन मंत्रालय ने इसे स्थापित किया है। यूटी प्लस राज्यों में जो जिन्हें दिखाएंगे या घुमाएंगे उनको, ये पर्यटन एजेंसियों को किसके लिए, अभी आपका ये पर्यटन जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के लिए ये क्या किया गया, उनके सम्मान में, उनके काम के सम्मान में इसे स्थापित किया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे स्थापित किया गया। ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा भाई, अलग अलग कह सकते हैं आप इसके अंदर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, यहाँ पर एक चीज जरूर पहले नोट करेंगे, पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में, पर्यटन मंत्री की अगर हम बात करें तो ये विश्वेंद्र सिंह है। ये क्या है, विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया है। तो ये अलग अलग तौर पर क्या किया जाएगा, इसमें काम किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या आपका 2014-15 में शुरू की गई थी योजना, 2014-15 में स्वदेश दर्शन, ये तो हो गया पुरस्कार, अब इस स्वदेश दर्शन योजना का ले लो, 2014-15 में एक योजना प्रारंभ की गई थी, यानी कि देश के दर्शन कराने के लिए योजना लागू की गई थी, तब आपकी 2014-15 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, थीम आधारित थी आपकी, क्या थी, थीम आधारित थी, यानी कि हर वर्ष थीम रखते थे और जो बाहर से लोग आते थे उन लोगों को क्या करते थे, उन लोगों को हमारा देश के दर्शन कराए जाते थे, हमारी संस्कृति के दर्शन कराए जाते थे। ठीक है, चलिए, पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी अतुल्य भारत अभिनव ये क्या करता है, अतुल्य भारत के लिए क्या करता है, काम करता है, लोगों को ये भारत के बारे में जानकारी देता है। ये पर्यटन मंत्रालय आपको क्या कर रहा है, पर्यटन से संबंधित जुड़ी हुई जो आपकी एजेंसी है उन एजेंसियों के लिए क्या करेगा, ये सम्मान के तौर पे इस पुरस्कार को क्या किया गया, स्थापित किया गया है, ये इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला लेने का ना। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग बस क्लास को देखते रहें, जो कंटेंट आपको मिलना है उस कंटेंट को आप नोट करते रहें साथ के साथ, तो बेटर रहेगा।
अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी आपका फेसबुक, फेसबुक क्वेश्चन बनेगा आपका बड़ा शानदार। अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका फेसबुक, फेसबुक पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया, क्वेश्चन नंबर फोर आज का, कि फेसबुक पर प्रतिबंध जो लगाया गया ये किसके द्वारा लगाया गया, क्वेश्चन नंबर फोर। फेसबुक पर पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, क्वेश्चन में आपका फेसबुक पर अभी हाल ही में पूर्ण रूप से किस देश ने प्रतिबंध लगाया है, शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ध्यान रखेंगे इसके ऊपर भी। तो थोड़ा सा बोर्ड हमने हमें थोड़ा सा हल्का सा दिख नहीं रहा हमें आपका, फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किस देश ने लगाया है। अभी हाल ही में चर्चा में भी आपका फेसबुक का प्रतिबंध, देखिए अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो आपको पता है यूस और जो आपका यूक्रेन है वार हो रखा है, आज 14वां दिन है 15वां शायद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फेसबुक पर प्रतिबंध की, तो प्रतिबंध लगाया आपका रूस के द्वारा, रूस ने क्या किया फेसबुक पर, क्या लगाया प्रतिबंध लगाया, पहली बात। दूसरी बात, किस आधार पर लगाया भाई, देखिए किस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो लगाया, आधार पूछ रहा है, अगर पूछ ले कि रूस ने प्रतिबंध लगाया था फेसबुक पर तो किस आधार पर लगाया था, तो यहां पर इसने क्या बोला भी? मीडिया के साथ भेदभाव, रूसी मीडिया के साथ भेदभाव, भेदभाव के आरोप लगाए गए, किसके ऊपर लगाए हैं, रूसी मीडिया के, रूसी मीडिया पर भेदभाव के आरोप लगाए, फेसबुक पर आरोप लगाए, इस वजह से क्या कर दिया फेसबुक को, क्या कर दिया भाई, स्मार्ट कर दिया गया है वहां से, पूर्ण रूप से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। प्रतिबंध से मुझे याद आ रहा है अभी हाल ही में यूरोपियन जो देश हैं उन्होंने स्विफ्ट, स्विफ्ट प्रतिबंध लगाए हैं, किसके ऊपर भाई, रूस के ऊपर स्विफ्ट प्रतिबंध लगाए हैं, इसका संबंध सीधा किससे भाई, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक से है, कह सकते हैं वार के चलते इन्होंने ऐसा किया है, यानी कि इसके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। दूसरा क्या रहेगा, इंटरनेशनल लेन देन कह सकते हो आप, इंटरनेशनल जो लेन देन है, इंटरनेशनल नेशनल जो लेन देन है उसको प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा, रूस के इंटरनेशनल लेन देन को प्रभावित करेगा आपका स्विफ्ट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आगे अलग से बात करेंगे इसके ऊपर, बट सिर्फ इतना समझ लो कि अभी फेसबुक पर जो प्रतिबंध लगाया किसने, रूस ने लगाया है। रूस ने क्यों लगाया है, उन्होंने बोला कि जो फेसबुक है वो क्या कर रही है, इसके साथ भेदभाव कर रही है, यानी कि भेदभाव के आधार पर रूस ने फेसबुक के ऊपर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया है। साथ ही आपको पता है जो रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति को क्या किया है, रूस के राष्ट्रपति को बहुत मतलब अभी हाल ही में पूरे जो विश्व के अंदर कहें हम ये कह सकते कि पूरी उनकी किरकिरी हो चुकी है, रूस को दोषी माना जा रहा है कि यूक्रेन पर वो हमला क्यों कर रहा है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को मालूम है, ठीक है। यहां पर हम यह बात करें इस इकोनॉमिक को प्रभावित करने के लिए जो प्रतिबंध लगाया रूस के ऊपर, तो रूस ने हमला किसके ऊपर कर रखा भाई, यूक्रेन पर हमला कर रखा है, किस पर, यूक्रेन पर हमला कर रखा है, यूक्रेन की राजधानी कीव जो आपकी है, कीव अभी हाल ही में उनके कब्जे में आने वाली भारी गोलाबारी आपकी कीव के अंदर, आज की डेट 9 मार्च को अगर मैं बात करूं तो भयंकर तरीके से आमने सामने से गोलाबारी और युद्ध हो रहा है, बहुत उच्च स्तर का युद्ध वहां पर अभी चल रहा है, ठीक है। इन सब चीजों के बीच में एक आपकी खबर आई थी, साथ ही हम बात करें अभी इनकी, तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ से निकाल दिया गया है, इनको पुतिन को, जो पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, पुतिन को क्या किया गया, जब इन सब चीजों के चलते स्विफ्ट लगाया, तो इसे अंतरराष्ट्रीय ये क्या थे, अंतरराष्ट्रीय जो आपके जूडो महासंघ, जूडो महासंघ के अध्यक्ष थे, तो इन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, अभी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। ओलंपिक ने भी क्या किया, ओआईसी ने भी, अगर कहीं आईओसी ने जो ओलंपिक का सर्वोच्च सम्मान था उसे भी वापस ले लिया, सर्वोच्च सम्मान जो राष्ट्रपति के लिए था, पदक जो सर्वोच्च सम्मान था उसे वापस ले लिया है, किसने भी वापस लिया, किसने, ओलंपिक के द्वारा लिया गया,
इसने लिया अभी ओलंपिक ने, ओलंपिक जो है ओलंपिक का जो सर्वोच्च सम्मान है आईओसी ने उसे पदक को भी वापस ले लिया। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ इनके ऊपर लगाई गई है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रशिया के ऊपर है, लेकिन रूस अपने ऑपरेशन से बाज नहीं आ रहा। उसने सिर्फ और सिर्फ सीधी सी बात है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपना ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर लेता हूं। तो हमने यहां पर फेसबुक की बात करी थी, फेसबुक के ऊपर अभी इसने लगाया तो ये आपके बीच में है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसे कल आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, यहाँ पर एक विशेष क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल यानी कि 8 तारीख को, यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है कब मनाया गया, दिवस कब मनाया गया, तो सप्ताह की अगर हम बात करते तो 1 से लेकर के 8, ठीक है भाई, 1 से लेकर के 8 मार्च तक ये सप्ताह मनाया गया था। दिवस की अगर हम बात करते तो 8 मार्च को आपका ये दिवस मनाया गया, 8 मार्च को आपका दिवस मनाया गया। एक बार देखेंगे, चलो इंपोर्टेंट दिवस, 1 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया गया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा भी आप लोगों का, ध्यान रखेंगे। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी, कौन सा आपका, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है आपका भाई, 1 मार्च को। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है आपका, यहाँ पर शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया है। 1 मार्च को कौन सा मनाया गया आपका, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस भी आपका कब मनाया गया है, तो ये भी आपका 1 मार्च को। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, सिविल लेखा दिवस भाई, सिविल जो लेखा दिवस है, लेखा दिवस भी आपका मनाया गया है कब, 2 मार्च को लेखा दिवस। यहाँ पर देखिए विश्व नागरिक सुरक्षा यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस यानी कि आपदा के समय हम नागरिकों को सुरक्षित रखें, शून्य भेदभाव यानी कि नागरिकों को साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। 3 मार्च को आपका कौन सा मनाया, विश्व वन्य जीव दिवस भी, 3 मार्च को कौन सा मनाया गया है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस भी, कौन सा विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया आपका कब, 3 मार्च को, यानी कि जो जीव जंतु हैं विश्व के अंदर, जो जीव जंतु उनकी सुरक्षा को लेकर के जागरूक करने के लिए आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है आपका। साथ ही विश्व श्रवण दिवस भी आपका मनाया गया था, विश्व श्रवण दिवस भी, सुने जीवन के लिए सुने, जरूर सुने, अच्छा सुने, थीम के साथ अभी विश्व श्रवण दिवस भी आपका कब मनाया गया है, तो ये भी आपका 3 मार्च को मनाया गया है। 4 मार्च की अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भाई, 4 मार्च का आपका कौन सा मनाया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया गया है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। साथ ही हम याद करें 6 मार्च को CISF स्थापना दिवस भाई, स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया आपका स्थापना दिवस, CISF का 6 मार्च को, और कौन सा था ये, 53वां स्थापना दिवस था भाई, ठीक है। कहाँ पर मनाया गया था ये ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद के अंदर मनाया गया था, गाजियाबाद के अंदर भी। साथ ही यह बात करें इसमें ये गृह मंत्रालय के अंदर, तो हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जो थे वो इसके अंदर शामिल थे। साथ ही इन्होंने यहाँ पर स्टैंड आपका कह सकते हैं स्टैंड 2022 क्या पत्रिका यहाँ पर लॉन्च करी थी, ठीक है इन्होंने। 7 मार्च की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा, जन औषधि दिवस है, जन औषधि दिवस भी यहाँ पर मनाया गया है। जन औषधि दिवस कब मनाया गया था, 7 मार्च को, यानी जो विदाउट फार्मा या विदाउट कह सकते हैं ब्रांड के दवाइयाँ या जेनेटिक दवाई बेचने के लिए, जेनेटिक दवाई लोगों तक पहुँचाने के लिए, सस्ती दवाई लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए, इलाज उपलब्ध कराने के लिए, ये आपका मनाया गया था 7 मार्च को, ठीक है। और 8 मार्च का आप लोगों के बीच में महत्वपूर्ण दिवस थे, महत्वपूर्ण दिवसों पे भी हमने यहाँ पर बात करी है। आज एक किस्म से आपका क्वेश्चन रिवाइज है, अलग अलग पूरे दिवस आपके करवाए भी जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म से पूरे आपके जो दिवस हैं वो करवाए भी जा रहे हैं, साथ ही आप यहाँ पर रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका चर्चा में रहा है, केंद्रीय सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना चर्चा में भी, क्यों केंद्रीय सरकार की एक योजना है, केंद्रीय सरकार की योजना, कौन सी योजना भी आपकी, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, कौन सी योजना, स्वतंत्रता चर्चा में है, क्यों है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान जो योजना है ये क्यों भाई चर्चा में क्यों है, चर्चा में है, तो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना
अब चर्चा में किस लिए देखे, सबसे पहले तो इसको समझेंगे, पहले ये ले लो चर्चा में क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने या गृह मंत्रालय ने क्या किया, गृह मंत्रालय ने इसे जारी रखने की बात करी है। मंत्रालय ने क्या कहा है, ये भाई लगातार जारी रहेगी इस योजना का, क्या रहेगा, ये जारी रहेगी। किसके सम्मान में, जो सैनिक, जिन सैनिकों ने, जिन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, जिन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपनी शहादत दी, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उन लोगों को सुख सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे ट्रेन के अंदर उनको फ्री ट्रैवलिंग का पास दिया जाता है, गाड़ियों के अंदर फ्री पास दिया जाता है, साथ ही उन्हें रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही हम ये बात करें कि उन्हें पेंशन भी दी जा रही है, उनकी जीविका को चलाने के लिए पेंशन, यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों को क्या किया जा रहा है भाई, शहादत के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, और ये योजना भी जारी है। इसके लिए सरकार ने 2021-22 के लिए क्या किया भाई, 2021-22 के लिए जो पैसा रखा है देने के लिए, वो आपका 3,274.87 करोड़ जो रुपए है इस योजना के तहत, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित जो लोगों को सम्मानित करना है, उन्हें इतने रुपए की ये योजना यहाँ पर दी गई है। वित्त वर्ष 21-22 की बात करें, 25-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना जारी रहेगी। कब तक रहेगी ये जारी, ये योजना 2025-26 तक आपकी ये योजना क्या रहेगी, जारी रहेगी, यानी कि तब तक हम लोगों को सम्मानित करते रहेंगे, उन्हें सुख सुविधाएं प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, अब तक इस योजना से कितनी, यानी कि वित्तीय पेंशन दी जाएगी, कह सकते हो आप, जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता जो सेनानी है, सेनानियों को क्या, सेनानियों को पेंशन दी जाएगी, क्या किया जाएगा भाई, पेंशन दी जाएगी, साथ ही उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी, क्या कह देगा, वित्तीय मदद होगी उनकी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब तक कितने लोगों ने लाभ उठाया, तो 23,566 लाभार्थी थे भाई, कितने लाभार्थी थे, तो आपके लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो 23,566 क्या थे यहाँ पर लाभ उठाने वाले व्यक्ति थे, गृह मंत्रालय के अंदर आ रहा भी, ठीक है। और पेंशन राशि के साथ संशोधित किया गया था अगस्त 2016 में, 2016 में इनकी जो पेंशन राशि थी उसे क्या किया गया, पेंशन राशि को संशोधित किया गया 2016 के अंदर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए, ठीक है। और ये परिवारों को सैनिक सम्मान योजना है और मिलनी भी चाहिए। अब क्या होगा, देखिए, सम्मान स्वतंत्र सेनानी को लाभ दिए गए, डिपेंडेंट को, उनकी जो विधवा हैं या उनके जो बच्चे हैं, कह सकते हैं विदुर साक्षी, मुफ्त आजीवन रेल, आजीवन पेंशन के लिए आजीवन रेल पास है भाई, एससी के अंदर भी, ठीक है, विधवाओं को, उनके साथियों, उनके साथ एक एक व्यक्ति फ्री भी, एक व्यक्ति क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चलते रहेंगे। साथ ही CGHS सुविधाएं भी प्रदान की, आश्रितों को CGHS जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर इनको दी गई है, ठीक है भाई, एससी स्लीपर में इनको पास की व्यवस्था की गई है। सीधी सी बात करें, केंद्रीय सरकार ने स्वतंत्रता में जिन लोगों ने साथ दिया था, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनके सम्मान में जो योजना चल रही थी उसको 2025-26 के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तब तक जारी रहेगी। 3,274/21-22 के लिए आपका जो बजट में इतना पैसा दिया गया है, उन्हें पेंशन दी जाएगी, संशोधन किया था उनका 2016 के अंदर, उन्हें ट्रैवलिंग की सुविधा, उनके साथ एक व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं तो उनको जो लेकर के जाएगा, उनके लिए और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हेल्थ से रिलेटेड व्यवस्थाएं सारी की सारी यहाँ पर उनको दी गई है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, स्कीम थी आपकी। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7 आपका शिवाजी की मूर्ति बनाई गई, क्वेश्चन नंबर 7 शिवाजी महाराज की क्या बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है कहाँ पर, शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है कहाँ पर, देखिए चलो बात करते हैं शिवाजी महाराज की प्रतिमा की, तो सीधा सा आंसर है भाई पुणे के अंदर बनाई गई, कहाँ बनाई गई, पुणे के अंदर बनाई गई है, पहली बात। दूसरी बात करें, इसका जो उद्घाटन था या अवलोकन किसने किया था, पीएम मोदी द्वारा, पीएम मोदी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था इस मूर्ति का। दूसरी सबसे बड़ी बात है भाई, पीएम मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया था, बनी किसकी भाई, तो गन मेटल की बनी हुई है भाई, ठीक है। इसकी अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ये जो 9.5 फीट हाइट है इसकी, इसकी शिवाजी महाराज की अगर हम बात करते हैं उनकी, तो साथ ही क्या है, गन मेटल की बनी पुणे के अंदर, मोदी साहब ने इसको क्या किया, और ये इन्होंने क्या किया था, कभी भी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया,
किसने? शिवाजी महाराज ने। साथ ही हम बात करते हैं शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहे की संज्ञा, क्वेश्चन पूछा गया था पहाड़ी चूहे की संज्ञा किसने दी थी, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, अगर औरंगजेब को पूरे जीवन में किसी ने परेशान किया तो सबसे ज्यादा शिवाजी महाराज ने। छापामार युद्ध के द्वारा मुगलों को शांति से नहीं देने दिया, छापामार युद्ध, और इन्हीं के काल में इन्होंने अष्ट प्रधान की, अष्ट प्रधान की अगर मैं बात करूं तो वो इन्हीं के शासन काल में थे। पेशवा या कहें या जो भी मराठा सरदार थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी, तो छत्रपति की इन्होंने क्या करी थी, छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। ये भी ध्यान रखेंगे पुणे के अंदर यहाँ इन्होंने क्या किया था, पुणे के अंदर यहाँ इनकी मूर्ति को स्थापित किया। मूर्ति की बात करें तो देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपके कहाँ, गुजरात में, गुजरात के अंदर है। साथ ही हम किसकी मूर्ति यहाँ पर, सरदार पटेल की, सरदार पटेल की मूर्ति यहाँ पर। रामानुजाचार्य की मूर्ति की बात करें, रामानुजाचार्य की मूर्ति हैदराबाद के अंदर, कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। पीस और स्टेचू ऑफ पीस कहाँ आपका, स्टेचू ऑफ अगर पीस की बात करते हैं तो ये पाली के अंदर भाई, कहाँ पर आपका, ये पाली के अंदर। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पर है, पाली राजस्थान के अंदर, यहाँ पर आपका स्टेचू ऑफ पीस है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज ने किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन पूछ सकते हैं। औरंगजेब को बहुत ज्यादा परेशान किया था इन्होंने, छापामार युद्ध व्यवस्था स्टार्ट किया था इन्होंने, अष्ट प्रधान की व्यवस्था इन्होंने ही लागू करी थी। और इनकी जो प्रथम गुरु की अगर हम बात करते हैं तो खांडेर, अगर मैं बात करूँ इनके गुरु की, तो सबसे पहला गुरु इनकी माँ थी, इनकी माँ जो अहिल्याबाई थी, उन्होंने इनको क्या किया था, ट्रेंड किया था, वीरता के जो गुण थे वो इन्होंने ही अपनी माँ से सीखे थे, ठीक है। इन्होंने जो जो भी वीरता के, वीरता से संबंधित जो गुण थे वो किससे सीखे थे, अपनी माँ से इन्होंने सीखे थे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा, अभी राष्ट्रीय कैरियर सेवा NS क्या, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। NCS क्या है, अब नौकरी के लिए मारामारी नहीं होगी, सुनना बड़े ध्यान से, अब नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, एक पोर्टल पर पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहां पर वैकेंसियां हैं, कहां पर नहीं है, और उसको किस प्रकार के एक्सपीरियंस के साथ फिल किया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपको मिलने वाली। NCS क्या है, जो कि आपका चर्चा के अंदर है। सीधी सी बात करें NCS क्या है जो आपका चर्चा में, नेशनल कैरियर सर्विस, इसको कह सकते हैं नेशनल कैरियर नेशनल NCS क्या है, नेशनल कैरियर सर्विस, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं नेशनल कैरियर सर्विस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि नौकरी कहां पर रहेंगे, कैसे नौकरी मिलेंगी, कहां पर पद रिक्त हैं, कैसे नौकरी के लिए हम अप्लाई करेंगे, कैसे नौकरी के लिए हम अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आपकी क्या है यहाँ पर है? इस जो पोर्टल है या ये कह सकते हैं जो आपकी सॉफ्ट के अंदर जो एक आपकी उपलब्ध कराई गई है, ये चीजें यहाँ पर इसके अंदर दी गई है। यानी कि आप नौकरी के लिए ये चीजें अब आपको
कहां पर दर दर भटकने की जरूरत नहीं, आप एनसीएस पर जाइए, पता करिए कहां पर वैकेंसी है, यानी कि कहां पर वैकेंसी है, उन वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सुख सुविधाएं उस आप नौकरी में मिल सकती हैं, क्या वो नौकरी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां से आप उस नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पूरे देश की नौकरियों के बारे में जो जानकारी रहेगी वो कहां पर रहेगी, आपकी एनसीएस के अंदर रहने वाली, ठीक है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के, किसने भी श्रम और जो रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इसके महानिदेशक हैं अतिरिक्त सचिव रोजगार महानिदेशक डॉक्टर शशांक गोयल, कौन है डॉक्टर शशांक गोयल, आपके डॉक्टर शशांक गोयल, डॉक्टर शशांक गोयल साहब है। इन्होंने क्या किया, कब हुए डॉक्टर शशांक गोयल ने 7 मार्च 2022 को, कब भाई 7 मार्च 2022 को इसका स्टार्ट किया भाई, इस एनसीएस का क्या क्या स्टार्टअप किया, एनसीएस का स्टार्टअप कब किया गया, 7 मार्च 2022 को डॉक्टर शशांक गोयल, ये क्या है यहाँ के सचिव है, सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव कह सकते हैं, सचिव हैं, सचिव रोजगार महानिदेशक हैं। इन्होंने ई बुक लॉन्च की है, क्या कह सकते हैं आप इसको, ई बुक कह सकते हो, पोर्टल कह सकते हो, ई बुक लॉन्च करी है। उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य क्या रहेगा भाई, तो पद के बारे में जानकारी, पद के बारे में बताना भाई, पद के बारे में, रिक्तियों के बारे में बताना, पद की बारे में, अब रिक्तियों के बारे में बताना कह सकते हो, नौकरी या जो आपके नौकरियों के स्थान के बारे में बताना, ये इसका उद्देश्य है, स्थान, नौकरी कहाँ कहाँ पर आपकी नौकरियाँ मिल रही हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं, जरूरी नौकरी से संबंधित जरूरी जानकारी देना, ये कह सकते हैं नौकरी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना। जानकारी कहाँ पर उपलब्ध होंगी, आपकी नेशनल कैरियर जो ई बुक है इसको लॉन्च किसने किया है, तो श्रम मंत्रालय रोजगार मंत्रालय के जो सचिव शशांक गोयल, किसने, ये श्रम मंत्री कौन है आपके, ठीक है, इनके द्वारा इसको क्या किया है, जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 7 मार्च से 13 मार्च समारोह का यह आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा भी, आजादी का जो अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव के एक हिस्सा है कह सकते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया, ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्थापना एनसीएस ई बुक 2015 में, पोर्टल की स्थापना बाद में हुई, तो एनसीएस जो बुक है, एनसीएस बुक की स्थापना कब करी गई थी, तो बुक की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपका कब है, एनसीएस बुक की स्थापना 2015 के अंदर, पोर्टल बाद में, तो बुक कब भाई आपका 2015 में, और पोर्टल की अगर हम बात करते हैं, इसकी भी पोर्टल की अगर हम बात करते हैं, तो पोर्टल आपका कब हुआ भाई, तो बाद में हुआ है, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसका जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा, कब की बात है 2015 की, तो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कह सकते हो आप इसको, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा, नौकरी तलाशने, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, नौकरी तलाशने वालों के लिए और पद की रिक्तियों के लिए या नौकरी चाहने वालों के लिए ये आपका एक रामबाण सिद्ध हो सकता है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए इसमें कैरियर अभियान सारी सारी चीजें शामिल है, अब तक इसके अंदर कितने, इस पोर्टल पर कह सकते हैं कितने ही 3600 जो व्यवसायों से संबंधित है, व्यवसायों से संबंधित जानकारी है भाई, कितने भाई 3600 व्यवसायों से संबंधित जानकारी है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें जो इस पोर्टल के अंदर है, इतने व्यवसाय हैं, टोल फ्री नंबर दिया है जहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 800-425-1514, ये क्या है टोल फ्री नंबर है, 800-425-1545, ये टोल फ्री नंबर है। अगर नौकरियों के बारे में या पद की रिक्तियों के बारे में अगर आपने जानना है तो इस नंबर पर जानिए, ठीक है भाई, ओके। इसमें हम बात करते हैं 2 लाख नौकरी चाहने वालों को रोजगार मिल चुका अब तक, कितना भाई 2 लाख लोगों ने इसके माध्यम से, 2 लाख लोगों को इसके माध्यम से क्या मिल चुका है, रोजगार मिल चुका है। और वर्तमान में अगर हम बात करें, लगभग 94 लाख रिक्तियां एनसीएस पोर्टल पर, बहुत बड़ी बात है भाई, 94 लाख जो रिक्तियां हैं इस पोर्टल पर हाजिर हैं, रिक्तियां जो जैसी एबिलिटी है वैसा आप नौकरी यहां पर लेंगे, ठीक है। इसने क्या किया, जो ये आपका
एमसीएस है, इस पर वैकेंसी की बात करें तो 94 लाख जो वैकेंसी है उनकी यहाँ पर बात हो रखी थी खाली है। अगर आपने जानकारी लेने 1800425154 जो आपका नंबर है जानकारी ले सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। 3600 जो आपका है 3600 व्यवसायों के बारे में जानकारी दे रखी है। एनजीएस बुक की स्थापना 2015 में, पोर्टल बाद में लॉन्च हुआ, आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में इसको मनाया गया है। अभी 7 मार्च 2022 से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया श्रम रोजगार मंत्रालय के जो सचिव है, मंत्री कौन है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसके इस मंत्रालय के मंत्री कौन है ये आप लोग कॉमेंट्स करके मुझे बताएंगे अगर आप क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी कैरियर से जुड़ा हुआ है। अब नौकरी दूर नहीं है भाई, आपकी रेंज से नौकरी दूर नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन करने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए, नौकरी मिल जाएगी, लेने वाला चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आपका एक और आने वाला है, अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा, थर्मोबैरिक हथियार, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका थर्मोबैरिक हथियार, थर्मोबैरिक हथियार चर्चा में है, वो क्यों भाई हथियार चर्चा में है, चर्चा में है क्यों? देखिए आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने परमाणु बम सुना होगा, अब हथियार चर्चा में है क्योंकि युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो हथियारों की चर्चा होना आम बात है। थर्मोबैरिक के हथियारों की अगर हम बात करें तो परमाणु युद्ध, परमाणु जो बम है उसके बाद सबसे खतरनाक हथियार, उसके बाद जो सबसे खतरनाक हथियार जो आते हैं, सबसे खतरनाक हथियार कौन से आपके थर्मोबैरिक हथियार ही है, कौन से थर्मोबैरिक हथियार ही सबसे खतरनाक माने, ये बहुत बड़े लेवल पर क्या करते हैं भाई, नुकसान करते हैं, बड़े लेवल पर क्या करते हैं भाई, बड़े लेवल पर नुकसान करते हैं, नुकसान करते हैं बड़े लेवल पर, किसका मानव जाति का बड़े लेवल पर क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है, पारंपरिक बम की तुलना में अगर हम बात करें ये क्या करते हैं, उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उच्च तापमान विस्फोट, विस्फोट क्या करते हैं, उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करते हैं और आसपास के हवा से क्या होता है उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं और फिर जब उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करेंगे तो जलने के लिए आपको पता ओ2 की जरूरत पड़ती है, तापमान बढ़ेगा तो क्या करता है आसपास की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेते हैं और लोगों को सांस में तकलीफ होती है, लोगों को ऑक्सीजन O2 नहीं मिलती है तो ये भी नुकसान करते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से अगर हम इनको क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ पर कह सकते हैं एरोसोल बम, एरोसोल बम के नाम से भी जानते हैं, एरोसोल बम कह सकते हैं, साथ ही हम इसे वैक्यूम बम के नाम से भी जानते हैं, किस बम के नाम से जानते थे, एरोसोल बम या फ्यूल, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव या वैक्यूम बम, वैक्यूम बम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तीन नाम हो गए इसके भाई, एयरसोल बम कह सकते हैं, फ्यूल एयर जो आपका एक्सप्लोजिव भी कह सकते हैं इसको, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव है आपका, साथ ही इसको वैक्यूम बम के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि वैक्यूम से आप लोग समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है और उससे क्या करता है जनता को नुकसान होता है, और ये आपका FAE फ्यूल एक्सप्लोजिव जो है आपका, ये आपका फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव जो आपका क्या है, ये FAE के नाम से भी इसको कहते हैं या जानते हैं। अब बात यहां पर ये आती है दोस्तों, जो ये जो बम है ये रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आम लड़ाई के दौरान ये रिस्ट्रिक्टेड है, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा इन हथियारों में, इनसे क्या निकलता है आपको पता है, फ्यूल एक्सप्लोजिव तो थर्मोहाइड्रो सबसे प्रसिद्ध प्रकार है इसमें से, जैसे जहरीली पाउडर, धातु ऑक्साइड सारी चीजें इसके अंदर से निकलती है। ठीक है, इनको कैसे लॉन्च किया जा सकता है, इनको हैंड हैंडलर भी है, हैंड हैंडलर यानी कि मनुष्य खुद भी कर सकता है, हाथ से भी लॉन्चर फिट किया जा सकता है, टैंक माउंटेन भी है, टैंक माउंटेन भी है, मिसाइल से भी किया जा सकता है और एरोप्लेन से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत क्या है, इनके उपयोग पर क्या प्रतिबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में इनके उपयोग पर क्या है, इनके उपयोग पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। और यूक्रेन ने अभी बताया कि मेरे ऊपर, अब यूक्रेन ने अभी आरोप लगाया कि इस पर रशिया पर कि मेरे ऊपर इस प्रकार के बमों की वर्षा की गई है, ये आप लोगों के बीच में। ठीक है भाई,
ओके, हैंड हैंडलर का मतलब क्या होता है, अपने हाथ से कर सकते हैं, टैंक के ऊपर कर सकते हैं, मिसाइल के ऊपर लोड करके कर सकते हैं, ठीक है, और इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा अंतर्राष्ट्रीय ने। ये यहाँ पर यानी कि बहुत बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देते हैं भाई, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, और अभी चर्चा में हुआ था आपका एक और था आपका, चर्चा में बम था जो अभी जब आरोप लगाया था, तो आपका क्लस्टर बम की भी बात हुई थी। क्लस्टर जो बम है वो उसका मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे बम ऐसे स्प्रेड कर दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाके को क्या करते हैं एरोप्लेन के द्वारा इसको छोड़ा जाता है। क्लस्टर जो बम है इसके ऊपर भी इसका भी आरोप लगाया है कि मेरे ऊपर क्लस्टर, क्लस्टर बम के अलग अलग टारगेट अलग अलग दूर, यानी कि एक लगातार कंटिन्यू बम अलग अलग टारगेट पर कंटिन्यू बम निकलते रहते हैं, तो उसे क्लस्टर बम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। क्लस्टर बम से भी मानव जाति को भारी नुकसान होता है, तो इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चनों पर यहाँ पर बात करी है, ये स्वदेश क्या है भाई, आपका स्वदेश दर्शन क्या है, साथ ही हमने यहाँ पर अपने वैक्यूम बम को लेकर के भी हल्की सी बात करी, वैक्यूम बम किस प्रकार से एयर को खींचता है, साथ ही अगला क्वेश्चन नंबर NCS का नौकरियाँ कहाँ पर मिलेंगी, NCS कहाँ कितनी रिक्तियाँ, 94 लाख रिक्तियाँ होती हैं भाई, अभी खाली हैं फिलहाल 2 लाख, जो लोगों ने क्या अभी तक उसको क्या बेनिफिट भी उठा चुके 94 लाख हैं, साथ ही कितने 2 लाख लोगों को रोजगार यहाँ इस NCS से मिल चुका है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं। आप क्लास को शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से कंटेंट डिलीवर करता रहेगा भाई, बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। थैंक यू।